आपको जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप यूं मुझे जलील करेंगे, ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, मारेंगे मुझे। इस घर में उसका इस तरह की गुस्ताखी का बहुत बुरा और बहुत भयानक अंजाम हो सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी है। अभी तो पूछा है आपसे। पूछा तो नहीं, तुम्हें तो बताया है। देखो यार, तुम्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे अम्मा जी के तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिल में जो है वो अच्छे से करने की कोशिश करो। देख लिया है तुम्हें मैंने नाचते हुए। शहर के आधे मर्दों के मोबाइल की जीनत बनी हो तुम्हारी तो औकात नहीं कि तुम मुझसे बात भी करो। मुझे कहने का मतलब समझती क्या है आप अपने आप को? मतलब आपके सामने कोई बोल नहीं सकता। ये क्या कर रही हो? मैं माफ करने के लिए आई थी, तुम्हें यहाँ सोते देखा तो सोचा कि तुम बता दूँ। एक बात बोलूँ तुमसे, तुम लड़ना छोड़ दो, हार जाओगी। वैसे जिंदा भी तो नहीं रह सकती। तुम कोशिश तो करके देखो। क्यों करूँ मैं कोशिश? आप ये सब कुछ इतना क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? मैं आपकी जगह होती ना तो उठते बैठते इन सबको जलील करती। कहना बहुत आसान है, तुम मेरी जगह जो नहीं। क्या है आपकी जगह पर? ऐसी भी क्या मजबूरियां हैं? आप ऐसी सास ऐसे शोहर को क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? क्योंकि उसका मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे अबू मुईज के पास मुलाजमत करते थे, तो ये कि अम्मा जान ने मुईज की शादी किरण से अपनी खुशी से करवाई और कुछ अरसे बाद उन दोनों की तलाक हो गई। क्योंकि मैं एक छोटी फैमिली से थी, अबू मेरे इनके पास मुलाजमत करते थे तो उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पता चला चोरी की जो रकम थी वो इतनी ज्यादा थी कि हमारी साथ पुछते भी अगर कोशिश करती तो वो रकम शायद अदा ना कर पाती। इसीलिए अब्बू को आज़ादी दिलवाने के लिए मेरे भाइयों ने मुझे वो इसमें बेच दिया। मेरे अब्बू को जैसे ही पता चला उनकी आज़ादी की कीमत उनकी बेटी को बेच कर अदा की गई है तो उनका हार्ट अटैक चल बस। और आपके भाई? वो पैसे लेते हैं अभी भी इन लोगों से। दो छोटी बहनें हैं, उनकी शादी अम्मा जान ने ही करवाई है। तो तुम ही बताओ मैं किस मुंह से इन लोगों के सामने बात करूं, क्या कहूं क्या बोलूं। ये लोग जानवरों से भी बदतर है। पैसे देकर आपकी जिंदगी खरीद ली, आपकी ख्वाहिशें अरमान सब खरीद लिया, और आपने सब बेच दिया। तो और क्या करूं? कुछ कर भी तो नहीं सकता। मैं आपकी जगह होती ना तो एक भाई को मार कर अपने शोहर को जहर देकर खुद फांसी पे चढ़ जाती। पता है तुम्हें और मेरे में नहीं फर्क।
तुम छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी बातों से ना उम्मीद होकर रिश्ता तोड़ने की बात करती हो और मैं छोटी छोटी चीजों में रिश्ते जोड़ने की उम्मीद की इन सब चीजों की बात करती हूँ। कोई इलाज नहीं आपका। आपको पता मैं जो आज भुगत रही हूं ना ये सब कुछ आपकी वजह से है। अगर आप पहले माजी में भी कोई कदम उठा लेती ना तो आज मेरा ये हाल और मेरा मुस्तकबिल इतना भयानक नहीं होता। मुझे नमाज पढ़नी है। हनान मिन्नतें करने के लिए रह गई मैं। हनान देखे मेरी बात सुने जो भी मसला है हम मिलके बात कर लेते इस बारे में प्लीज दरवाजा खोले हनान। नहीं खोलेगा। उसकी माँ की बेइज्जती की तुमने कभी भी नहीं खोलेगा दरवाजा। मैंने सिर्फ वो किया जिसके लिए आपने मुझे मजबूर किया था इसीलिए तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जिसके तुम लायक हो। हनान, हनान आपको मेरी कसम है प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। यहाँ खड़ी खड़ी मर भी जाओगी तो भी दरवाजा नहीं खोलेगा वो। हनान 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 यहाँ पर मेरा तमाशा बन रहा है प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। हनान मुझसे माफी मांग लो दरवाजा खुल जाएगा। हनान सो रहा होगा इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा। अरे बेटा तुम्हें लग गया। आई एम सॉरी वो मैं कहीं और कर रही थी। ठीक है इट्स ओके 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 खुदा हाफिज़। जाग रहा सीधी तरह माफी मांग लो मुझसे नियोकात में आओ और अंदर जाओ। मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन आपसे माफी नहीं मांगूंगी। अजाब है इतनी अकड़ है इस बंदे में भाई। क्या हुआ उसका? हनान ने दरवाजा खोला। आपको क्या लगता है कि मुझे बड़ा शौक है अपना कमरा छोड़ के इधर उधर फिरने का? नहीं मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमने कोशिश की। हजार दफा कोशिश कर चुकी हूँ मैं वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। धनी अपने आप को कोई शहजादा सलीम समझ के बैठा हुआ है। दिल तो चाह रहा है वो दरवाजा खोला उसको सर जाके फोड़ दूं मैं। चलो भाभी वो दरवाजा नहीं खोलेगा। तुम चुपचाप चलो तो सही क्यों नहीं खोलेगा? भाभी बता रही हूँ नहीं खोलेगा यार। एक दफा ट्राई तो करने दो। हनान 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 दरवाजा खोलो। मियाँ बीवी के जो बीच के मामलात होते हैं वो अगर कमरे में हल हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्या है
जाओ। शुक्र है। जब सारी रात से मैं पागलों की तरह दरवाजा बचा रही तो तू क्यों नहीं खोला? क्या समझते हो? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। वो तो शुक्र करो कि भाभी कमरे में आ गई, वरना मैं तुम्हें घुसने नहीं देता। भाभी? अगर भाभी से इतनी मोहब्बत है तो मुझसे शादी क्यों की? बेहया, शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम्हें करके नहीं आती तो मुझे कह के क्यों आएगी शर्म? मैंने कहा आप एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाले, समझी तुम? करके दिखाओ, चुप कराओ, चुप दिखाओ अपनी मर्दानगी। अपनी बीवी के लिए तो कभी मर्द बन नहीं सके, देखते अपनी माँ के लिए कितना मर्द बन दो। मारो और मारो, मार मार के तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन मैं चुप नहीं हूँ। एक लफ्ज अब मुंह से नहीं निकालना, समझ में आई तुम्हें? चुप हो जाओ आप। बस इतनी मर्दानगी? मैं अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखते हैं किसका ज्यादा दिमाग खराब है। अगर ठिकाने ना लगाई ना तो मेरा नाम बदल दूंगी। अगर अब और कुछ बोला तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, समझी? तो लानत भेजती हूं मैं इस घर पे, इस घर के लोगों पे और गेट अप। I said get out! को भेजो मेरे पास। जी अम्मा। पहन ले आप, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस्मा, रुको मत जाओ, कहां जा रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप पहले कोई कदम उठा लेती तो आज मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। खुश रहिए। चंद पैसे क्या दे दिया अल्लाह ने कि वो औरत तो सबको कीड़े मकौड़ों से बदतर समझने लगी? इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। अर जो भी है मैं समझता हूँ इस मामले को थोड़ा समझदारी से सुलझाने की जरूरत है। और कितनी समझदारी का मुजाहरा करूं मैं? 3 महीने में 30 मरतबा आके शिकायतें कर चुकी है मुझसे, हर दफा समझा बुझा के वापस भेजा इसको अपने घर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, 3 महीने हो गए, इतने से अरसे में ससुराल से इतनी शिकायतें, मतलब वो कोई पागल तो नहीं है ना जो बार बार तंग करते रहते हैं? जरूर इसने इस तक कुछ ना कुछ किया होगा। बस बस अपनी बीवी की जबान मत बोलो, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। उमर भाई, वो लोग मुझे मारते हैं।
जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं और सिर्फ हनान ही अकेला मारता। उसकी माँ मुझे अपनी जुबान से मारती है, उसका भाई मुझे अपनी नजरों से मारता है। वो लोग मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते अम्मी। अबे वो क्यों करेंगे ऐसा तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता, जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी। मैं अपने शोहर के साथ बाहर ही नहीं जा सकती, हर चीज में पाबंदी रखी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में फंस गई हूं। चलो ठीक है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मारना पीटा क्यों बर्दाश्त करूं मैं? वो बहुत मारता है मुझे, मेरे जिस्म में नील पड़ गए, चला नहीं जाता मुझसे, मेरी टांगों में दर्द होती है। मैं क्या करूं साथ भाई? बस बस मेरे बच्चे, बस तेरी माँ भी जिंदा है, तुझे मैंने पिट पिट कर मरने के लिए पैदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वहां वापस जाने, कोई जरूरत नहीं। और अम्मी आप बीच में नहीं बोलिएगा, मैं इसका फैसला खुद करूंगा। इससे पहले अपनी बहन के सर पर हाथ रख लिया होता ना तो आज इसकी ये हालत ना होती। अब तो रख दिया है ना हाथ, अब मुझे फैसला करना है बस। और तुम भी चुप रहा करो, हर मामले में नहीं बोला करो। चुप। लड़की के बाप को कब्र से निकलवा के माफी मांगूंगी, उसकी माँ नौक रगड़ती हुई मेरे घर आएगी देखना तुम। माँ जान अपने गुस्से पे काबू रखिए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप ठीक कह रही हैं माँ जान, उस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खुदा के लिए तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है, अकल तुम्हारी घुटनों में है क्या? एक औरत नहीं संभलती तुमसे, मेरी बीवी नहीं है क्या? मजाल है अम्मा जान के सामने कभी ऊंची आवाज में बात की हो। बड़े आए हैं बात करने वाले। मैंने अपनी बीवी के बाप को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा के शादी नहीं की, उसके मुंह में भी जबान है, जितना मुझसे हो सका मैंने किया, लेकिन वो नहायत ही बदतमीज, घमंडी और मकरूर लड़की है। मैं वापस उसको उस घर में नहीं लेके आऊंगा। इतना आजाद क्यों छोड़ा उसे कि तुम्हारे मुंह पे थूक कर चली गई? इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि बगैर पर्दे के इस घर के दरवाजे से बाहर निकल गई? खोट उसमें नहीं, खोट तुम में है, तुम्हारे गुस्से में कमी है, तुम्हारी नजरों में वो असर ही नहीं है जिससे बीवी के ऊपर खौफदारी हो जाए। मैंने अपनी पसंद से शादी नहीं की, लेकिन फिर भी हर मुमकिन कोशिश की मैंने। अब मैं उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तो इसका मतलब है कि तुम एक नाकाम शोहर ठहरा है फिर। जानब अब आप भी बताइए क्या करना है। उस लड़की का वहां पे ज्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है, सोसाइटी में तरह तरह की बातें होने लगेंगी। लड़की के घर वालों को ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, कुछ दिन इंतजार करो तो देखना नाक रगड़ते हुए हमारे घर आएंगे। और अगर वो ना आए तब? ना आए तो हम अच्छी तरह जानते हो क्या करना है। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा जान आप घर में गैर मर्द कैसे अंदर आ गए? मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारा सर फोड़ दूं। पागल हो गई हो तुम? मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम अम्मा जान से आके माफी नहीं मांग सकती? तलाक और सर फोड़ने के बीच मोहब्बत कहाँ से ढूंढनी है प्लीज मुझे बता दें जरा। इधर आप माँ को बैठी होमवर्क करा रही है ना, उधर दोनों माँ बेटियों ने मिलकर हमारे वर्क का होम कर दिया है। क्या कह रही हो? छोटी हीरोइन आई बैठी है, माँ से लिपट लिपट के रो रही थी, कह रही थी नील पड़ गए। सच्ची? लेकिन मसला ये है ना कि अम्मा जान ने गैरत दिला दी। क्या मतलब? उम्र तो मान गए थे लेकिन
ये जो सात भाई हैं ना, ये बीच में सच्चे पड़ गए। कहते हैं कि मैं फैसला करूंगा, हमारी बहन पे जुल्म हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। सात ने ऐसा कहा? मम्मी मेरा होमवर्क। चुप रहो, बात करने दो। अच्छा भाभी देखिए, उमर तो मान गए थे, मैंने उमर से बात की थी, मैंने कहा कि दोनों बेड बेच के महा के लिए कोई छोटा बेड ले लेते हैं, कमरा पेंट करा लेते हैं, लेकिन सात भाई ने ना सारा मामला ही चौपट कर दिया। मैं अभी बात करती हूँ जाके जरा इनसे, अभी करती हूँ बात। तुम मुझे चाय भी नहीं दे रही थी कि इमरजेंसी है, उस वक्त घर छोड़कर आ गई है, और अब खुद को देखो मेकअप करने बैठ गई हो। तो क्या करूं, उस वक्त के बाद विक्की के घर दावत पे नहीं जाना, इसलिए तैयार हूं, मैं वापस आके तैयार नहीं हो सकती। वैसे एक बात है, उस वक्त का ये रोज रोज का नहीं हो गया? सही कह रहे हो, सारे घर वाले परेशान है, रोज नया तमाशा, रोज नई कोई बात, अजीब लड़की है। अम्मी सब जानती है, कल ही मुझसे कह रही थी कि उस वक्त को घर वालों ने निकाल दिया है। तुम जानती हो कि ये बात सुन के मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी। वाह वाह वाह, आपकी जो अम्मी है ना, उनके जासूस हर तरफ फैले हुए हैं। तौबा है, उस वक्त बाद में निकली है, खबर उन तक पहले पहुंच गई है। रात को यही बात आपकी अम्मी ने सबसे पहले मुझे बताई थी। न जाने इन औरतों का कौन सा नेटवर्क है कि हर बात इनके कानों में सबसे पहले आती है। वैसे कभी कभी फील होता है जैसे अदील उस वक्त में अब भी इंटरेस्टेड है। मुझे भी उसकी बातों से यही फील होता है। खैर अब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत। सुने कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ। ये क्या फिल्म लगा के जा रहे हैं आप? फिल्म कौन सी? खुदा खुदा करके तो इस घर से रवाना हुई थी, पता नहीं अपने ससुराल वालों के साथ क्या बदतमीजी करके आई है, और आप एक उसे समझाने के बजाय शह दिए जा रहे हैं। भाई हूँ उसका यार, फर्ज है मेरा। यूं भी अम्मी ने अब सारे फैसलों का अख्तियार मुझे दे दिया। ये लो, कुछ होश के नाखून ले के अकल बिल्कुल खास चढ़ने चली गई है आपकी। सारी जिंदगी सूट पहनाकर अगली कुर्सी पर सबके सामने बिठाए रखा है आपको कि ये बड़े हैं, मगर कोई मशवरा भी लिया आज तक आपसे किसी ने? और ये क्या मेरी बात सुन रही हूं मैं कि बहनों के सारे अख्तियारात आपको दिए जा रहे हैं? क्यों भाई क्यों? क्योंकि अम्मी जी आपको बेवकूफ बना रही हैं। सरासर गलती उस्वा की है। जानते नहीं है क्या आप अपनी बहन को? पता नहीं उन लेक लोगों के साथ क्या बदतमीजियां करके आई हुई है। मैं आपको बताए दे रही हूं, खबरदार जो उसे ज्यादा दिन यहां पे रहने दिया। मुझे अपनी बेटी के लिए कमरे की जरूरत है, हमारे कमरे में इतनी जगह नहीं है कि इतना सामान रख सकें। आप बस उसे जल्दी निकालें ताकि मैं माहा के लिए कमरा सेट करूं बस। कैसी बातें कर रही हूं, इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाऊंगा? कहा ही है ना मुकर जाए। वैसे भी आप कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे उसके साथ। आप अगर उसे अपने घर भेज देंगे तो भाई होने का फर्ज ही अदा होगा ना। नहीं नहीं भाई, वो अपने घर नहीं जा सकती, वहाँ हालात बहुत खराब है, समझा करो। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, और अपनी बहन पे ही जरा सख्ती करें। और मत भूलें कि सारी जिंदगी एटीएम मशीन समझकर इस्तेमाल किया है इन सब माँ बहनों ने आपको। यही वक्त है अपने बिजनेस को सेटल करने का, प्लीज इस मौके को हाथ से मत जाने दें। चलो कब तक यूं धरना देकर बैठने का इरादा है? क्या मतलब धरना? तुमने सुना नहीं, मुझे वहां से निकाला गया है। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें उस घर से निकाला नहीं गया। देखो वहां के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वहां रह सकूं, और फिर ये भी तो मेरा घर है। हालात तुमने खुद ऐसे बनाए। मारिया तुम्हें पता ना कि मुझे सबसे ज्यादा तुमसे एक्सपेक्टेशंस थी, और तुमने सबसे कम मेरा साथ दिया। क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा करीब मैं हूँ। तुम सब कुछ जान के भी ये कह रही हो? तुम्हें पता है ये तुम तख्त पर बैठ के इतने मजे से जो चाय पी रही हो किसने बनाई है? मुझे क्या पता, मुझे तो वहां देखी गई है चाय। और ये कपड़े जो तुम पहनकर बैठी हो किसने धोए? क्या पता भाई,
ये सब तुम्हारी भाभियों ने किया है, जो गिद्ध की तरह तुम्हें जख्मी हुआ देखती है। एक वक्त आएगा तुम्हारा गोश्त नोचना शुरू कर देंगे और कुछ टाइम के बाद तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाएंगी। लोगों के रवैये तब्दील होने से पहले तुम अपना ठिकाना बदलो, यही हम सबके हक में बेहतर है। देखो मैं लावारिस नहीं हूं, मेरे दो दो भाई हैं और उन भाइयों की बीवियां भी हैं जो पूरा दिन इस घर में गुलामों की तरह काम करती हैं और भाइयों को वो दिखता है। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि भाभियां हमें कितना पसंद करती हैं। भाइयों को भाई ही रहने दो, दुश्मन मत बनाओ अपना। एक ही दिन में सलाम से हेलो पर आ गई हो तुम। मैं घर छोड़ते वक्त आपके तरीके भी छोड़ रही थी। पक्का इरादा कर लिया था मैं। ये सोच कर बैठा था कि तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। विनतियां करोगी तुम मेरी, नाक रगड़ोगी मेरे सामने, माफिया मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दिल कह रहा था कि तुम्हें तलाक दे दूं, पीछा छोड़ाऊं तुमसे। तो फिर फोन क्यों किया आपने? तो रख देता हूं, मत करो मुझसे बात। वैसे भी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आपने अपना इरादा पक्का कर लिया तो फिर आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि जिस दरवाजे से तुम बाहर गई थी उसी दरवाजे से वापस आ जाओ। मैं सबसे बात कर लूंगा, तुम आकर सिर्फ अम्मा जान से माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगी, इस तरह वो अपने आप को सही समझ बैठेंगी। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारा सर फोड़ दूं। पागल हो गई हो तुम, मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम अम्मा जान से आके माफी नहीं मांग सकती। तलाक और सर फोड़ने के बीच मोहब्बत कहाँ से ढूंढनी है, प्लीज मुझे बता दें सर। देखो मेरा अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं तुम्हें माफ भी करता हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अम्मा जान से आके माफी मांग। मैं भाभी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। आप अपनी अम्मा जान को समझा दीजिए, अगर वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी। तो फिर भाड़ में जाओ तुम। दो थप्पड़ कब मारे थे तुम? तीन चार और मारता ना तो आज ये बोलने की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी। आइंदा मर भी रहूंगा ना तो फोन नहीं करूंगा। किसने किया था, तुमने या उसने? उसने। बात बनी? बनती नजर आ रही है? नहीं, सब एक जैसे होते टेढ़े। वो जरूरत से ज्यादा है। सारी बीवियों को ऐसे लगता है। मम्मी खबर का हाल मुड़ता ही जाना है। चंद दिन डटी रहो, खुद ही हवा निकल जाएगी सारी। मम्मी भाई साथ देंगे? हैं तो दोनों बीवियों के मरीज, लेकिन बात जरा भरोसे की करती क्या है। वैसे दिलों का हाल तो नहीं जानता है। मुझे अपने भाइयों पर भरोसा नहीं है। मैंने उन्हें पैदा किए, मुझे उन पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या होगा? सोचो सोचो।
साहब हिम्मत कीजिए साहब। अरे यार बाहर ना चल लो यार। साहब 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 संभालिए अपने आप को, साहब संभालिए अपने आप को। ये देख ये देख ये देख मैं ये बस बस मैं चल रहा हूँ यार, तो मैं तमाशा। अरे बिल्कुल साहब बिल्कुल, सारे साहब संभालिए अपने आप को, बस ये थोड़ा सा आगे आपका कमरा है, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है साहब, तमाशा लगाया हुआ है। कोई तमाशा नहीं है, बहुत सामने आपका कमरा है। अरे यार रोज का काम है यार मेरा। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए साहब, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। आप बकवास है। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। मुईस मुईस बेटा माफ करना, मुझे यहाँ तक आना पड़ा, मगर इनकी हालत आपने देखी है और कहीं इन्हें चोट ना लग जाती है, इसीलिए सारा देके लाना पड़ा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुईस अंदर अंदर अपने कमरे में चलिए प्लीज। क्या कर रहे हो यहां पे? दफा हो जाओ मेरी नजर के सामने से। गिरा लो मुईस। हां साहब आराम से, साहब 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 हसन बाबा आपको शुक्रिया, आप जाइए प्लीज। आप बकवास लगा रखी है तुमने। बहू जी मेरा हनान उठ गया जी, वो तो सुबह सुबह ही कहीं चला गया। ये सुबह पता नहीं, कह रहा था कोई जरूरी काम है शायद। ये कैसा हाफ फ्राई बनाया, एक अंडा तुम ठीक से नहीं बना सकती। मैं दूसरा बनवा के दे देती हूँ। बनवा देती हूँ, तुम खुद क्या करती हो? घर में दूसरों की खबर रखने से बेहतर है अपने काम पर तवज्जो दिया करो। जी, मैं खुद बना कर लाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा जान आप घर में गैर मर्द कैसे अंदर आ गए? मतलब? मैं हर बात खुल के नहीं बता सकता आपको, और ये हनान की बीवी का कुछ कीजिए। अब उसे घर लाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। बीनेश का अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम बात करो अपने तरीके से उसके भाइयों से। चंद पैसों का आसरा दोगे तो अपनी बहन को बोरी में बंद करके छोड़ जाएं। हाँ जी, मैं भी यही सोच रहा था। बुलाता हूँ उसे आज अपने ऑफिस में। खुदा हाफिज। सुनो, बीवी को लकड़ी की तरह सुलगाए रखो, अगर ठंडी होके राख बन गई ना तो उस राख से तुम्हारा मुंह काला करेगी। जी मैं आपके साथ 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। सॉरी। ओके, ये टिश्यू ले ले आप। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी, फर्स्ट क्लास कारोबार शुरू हो सकता है इतने में तो। बस तो ठीक है, फिर आप इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तैयार कर दें तो हम काम शुरू कर देते हैं, तब तक मैं फाइनेंशियल्स देख लूंगा। बिल्कुल 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 ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने प्रोजेक्ट किए सारे के सारे कामयाब। हाँ जी, आपकी रेपुटेशन से तो मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ।
अच्छा वाकई में? जी जी, आफ्टर ऑल आप शहर के चंद नामी ग्रामी अच्छी साख रखने वाले बिल्डर्स में से एक हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कभी तकबर ही नहीं किया जी। एनीवे, अब ये बताइएगा कि घर की क्या खबर चल रही है? मैंने सुना है कि उस्वा घर से नाराज होकर चली गई है और अम्मा जान के साथ भी कुछ तलख कलामी की है उसने। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उस्वा तो हर वक्त अपने ससुराल के गुनगाती रहती है, थोड़ी बहुत तो ऊंची चीज हो जाती है। एनीवे, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तैयार कर लीजिए, फिर काम शुरू कर देते हैं। तब तक मैं फाइनेंशियल देख लूंगा और अम्मा जान से दुआ लेकर फिर आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ। अम्मा जान से दुआ लेकर? अच्छा अच्छा, बहुत। हाँ जी, मैं कोई भी नया काम अम्मा जान की दुआ के बगैर शुरू नहीं करता, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। खैर, आप आराम से कॉफी पीजिए, पी के खत्म करके फिर चले जाइएगा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये कहो ना, ये 5 करोड़ में बेच आयो बहन को? कैसी बातें कर रही हैं मियां? उस्वा मेरी बहन है, जो कुछ कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। भला बहन का कर रहे हो और 5 करोड़ तुम्हें मिल रहे? अम्मी, वो एक कारोबारी मामला है, आपको तो खुश होना चाहिए, मैं भी आप ही का बेटा हूँ और मुझे 5 करोड़ मिल नहीं रहे। मोई साहब मेरे साथ कारोबार में लगा रहे। वो सिर्फ तुम्हें ठिकाने लगा रहे, कोई रकम वकम नहीं लगा रहे तुम्हारे साथ। सब लोग मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं ताकि तुम उस्वा के साथ जाकर उनके कदमों में गिर जाओ। अम्मी, आपकी बहुत पुरानी आदत है हर एक की नियत पे शक करने की। वो इंतहाई सादा दिल और पुरखलूस आदमी, बल्कि वो पूरा खानदानी इंतहाई मोहज़ब है। उस्वा ने गलत किया कि अपनी माँ जैसी सास की बेइज्जती करके आ गई। मैं तो कहता हूँ मैं फौरन वहां जाके माफी तलाफी करके मामला रफा दफा करना चाहिए। बस बल लिए तुम बड़े भाई अपनी बहनों के। अम्मी, जब तक आप अपनी सोच बड़ों वाली नहीं करेंगी, ये मामला हल नहीं होने वाला। उस्वा छोटी है, उसे पहल करनी चाहिए। अब उनकी सास तो नहीं आएंगी ना माफी मांगने के लिए उनसे। ये तुम नहीं, तुम्हारा लालच बोल रहा है, जिसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम अपनी बहन का सौदा करने के लिए तैयार हो गए हो। आपने हमेशा हमारी नियतों पर शक किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। तुम दोनों भाइयों ने साबित कर दिया है कि पैदा तो मैंने तुम लोगों को किया है, लेकिन माँ तुमने अपनी बीवियों को बना लिया है। देखिए अम्मी, मामले को तूल देना किसी के हक में भी नहीं। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, ये घर तक गिरवी पड़ा हुआ है। मैं तो खुद इसको बेच कर हिस्से करने के बारे में सोच रहा था। अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता बना के भेज दिया है मोहित साहब को, कारोबार की ऑफर लेके आ गए। अब अगर आप उस्वा को यहाँ बिठाकर सब कुछ बर्बाद करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। ये सोच लीजिए कि अब वो वक्त आने वाला है कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी और भीख के लिए भी कशकोल उधार में लेना पड़ेगा, और भीख के पैसों से मैं अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा कि आपको। गए तुम? सारे दिन कहाँ थे? सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारा। तो उसके पास थे। तुमने फोन भी नहीं उठाया। ध्यान ही क्या होगा? खाना लगवाऊं? भूख नहीं। उस्वा से सुलह हुई है? वो चाहती ही नहीं है कि सुलह हो। तुमने कोशिश की? की थी, लेकिन उसकी अकड़ खत्म नहीं हो रही।
मारा है उसे।